दोस्तों, मैं आज प्रणाम भी बोल सकता था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं कल से ही बहुत दुखी हूँ जब से सुना कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। जी, मैं उन्हें अपना आइडियल मानता था, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, रियली बता रहा हूँ। मैं कभी बिग बॉस नहीं देखता था लेकिन पहली बार जब वो बिग बॉस में आए थे तो मैं देखना शुरू किया। रियली नाइस पर्सन, मैं कभी मिला नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते थे और बहुत लगाव था। कभी मिला नहीं फिर भी लगाव था और यही सच्चाई है। दोस्तों, अपने जीवन में उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत कुछ अचीव किया बिना गॉड फादर के, और अचानक चले जाना ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वो नहीं है। अचानक 5 दिन पहले, 6 दिन पहले सब अच्छे थे, सब चंगा था, बहुत अच्छा था, अचानक ही कैसे यार इतना फिट व्यक्ति चले गए हार्ट अटैक से। यकीन करना दोस्तों, बड़ी मुश्किल हो रहा है। अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर हो क्या गया, लेकिन होना था वो हो ही गया। मैं राहुल सिंह, उन्हें मैं बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत मानता था, उन्हें अपना आइडियल समझता था। अरे, अब वो नहीं, हमारे बीच नहीं है। आज उनकी अंतिम विदाई है, मुझे रोना आ रहा है। रियली आई बहुत मैं उदास हूँ दोस्तों। बस इतना ही बोलूँगा कि बहुत अच्छे इंसान थे वो, दिल के साफ थे। लोगों ने, कुछ लोग थे जो दुखा भी दिए लेकिन वो अपने आप में अडिग रहे, लड़ते रहे समय से, और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। इसलिए मैं अपना आइडियल समझता हूँ, मानता हूँ, प्यार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जिंदगी में अगर आपके पास पैसा भी है ना, एक सीमित आपका लाइफ है। कितना भी पैसे वाले हो कोई मतलब नहीं रखता, जिंदगी जब तक है अच्छा कर्म कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। बस माँ बाप की सेवाएं कीजिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, यही दोस्तों जीवन है। पैसा कुछ नहीं होता, मैं मानता हूँ पैसे की जरूरत हर इंसान को होती है, लेकिन लास्ट टाइम में पैसे की जरूरत नहीं, चार कंधे की जरूरत पड़ती है। इतना ही बोलूँगा दोस्तों, कुछ बोलने का मन नहीं है, कुछ कहने का मन नहीं है। बस आई मिस यू सिद्धार्थ शुक्ला जी, मैं हमेशा आपको याद करूँगा। अब जहाँ भी जाए, जहाँ भी जाए, बहुत खुश रहिए। और हम सबको आज ना कल जाना ही है, चले जाएंगे। इतना ही बोलिए, मैं सिद्धार्थ शुक्ला जी के परिवार के लिए सहानुभूति प्रकट करता हूँ और भगवान से निवेदन करता हूँ कि उन्हें शक्ति दे अपने आप को संभलने के लिए। रियली, जब मैं इतना, मेरी आंखों में जब इतना आंसू हो सकते हैं तो सोचिए उनके माता पिता, पिताजी तो नहीं है, बहन और माँ पे क्या गुजरता होगा। और किसी अपने का जाने अगम आप सोच सकते हैं कितना होता है दोस्तों। तो बस दोस्तों, इतना ही, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मुझे रोना आ रहा है।